नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज दो हज़ार उन्नीस का सवाल है इट सेज़ इन अ वाई वाईडीएससी सेटअप इफ देर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लेट्स अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमम हैज़ अ पार्थ डिफरेंस अगेन बहुत सिंपल सवाल है फिफ्थ मिनिमा का हमें बताना है कि उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा नाउ ये अपने को पता है कि हम जो लिखते हैं पाथ डिफरेंस ये आएगा मिनिमा के लिए टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय लैमडा बाय टू यह आपका पार्ट डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे अपने को दिया हुआ है फिफ्थ मिनिमा तो उसके लिए हम लिखेंगे एन की वैल्यू फोर सो आपका डेल्टा एक्स विल भी हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाय फोर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय टू सो इसकी वैल्यू आ जाएगी नाइन बाय टू लैमडा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी नाइन बाय टू लेमडा वुड बी द राइट आंसर और राइट कुछ लोग इसी सवाल को करने के लिए आ, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू टू एन माइनस वन लैमडा बाय टू और यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं एन की वैल्यू आप फाइव रखेंगे सो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस वन लैमडा बाय टू सो इसकी वैल्यू हो जाएगी नाइन लेमडा बाई टू सो इसमें uh, दोनों फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल हैं टू एन uh, इसको आप टू एन प्लस वन टू भी लिख सकते हैं uh, या फिर माइनस वन इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर एन की वैल्यू टू एन माइनस वन लिख रहे हैं तो फिफ्थ मिनिमा के लिए फाइव लिखेंगे प्लस वन लिख रहे हैं तो एक कम करके फोर लिखेंगे सो so, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर